सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम गॉन बी शेयरिंग अर बेसिक स्किन केयर रूटीन फिर यू गाइज सबसे पहले आईम यूजिंग इज गुड वाइब्स ग्रीन टी प्योरिफाइंग फेस वॉश एंड ये एक कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है इट हैज़ दिस पम्प जिससे कि आप आसानी से लेके नो मेस एट ऑल सबसे पहले मैं फेस वॉश करूँगी एंड इसका जो यू नो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी यू नो ग्रीन टी से मिलता जुलता है सो आई रियली लाइक दैट पार्ट पूरा इनका ग्रीन टी रेंज है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन उसके अलावा इसका टेक्सचर जो है वो जेल बेस्ड है सो आई रियली लाइक जेल बेस्ड फेस वॉश मुझे क्रीम बेस्ड इतने सूट नहीं आता बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ देन वी कैन फॉलो द अदर स्टेप फेस वॉश कर लिया है मैंने एंड इसने लगभग सारा ऑयल मेरे फेस से रिमूव कर दिया विदाउट ड्राइंग माई फेस तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड माई स्किन फील्स रियली प्लं और अगर आपको नहीं पता है गुड वाइब्स के सारे ही प्रोडक्ट्स में ना पैराबिन होते हैं ना मिनरल ऑयल्स होते हैं सो दे आर सेफ फॉर योर स्किन आप इन्हें आराम से यूज़ कर सकते हो आई एम यूजिंग दिस ग्रीन टी प्योरिफाइंग फेस मास्क फ्रॉम गुड वाइब्स और ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे आई स्पेशली लव द कलर द ग्रीन कलर ऑफ द मास्क तो पूरा आपको ग्रीन टी वाली फील देता है सो एल बी अपलाइंग इट ऑन माई फेस इन्हें बहुत ज़्यादा थिक वाला मास्क नहीं है इट्स अ वेरी नाइस लाइट वेट मास्क दैट यू कैन ईजिली अप्लाई ऑन योर फेस और लगभग आप इसे दस मिनट रखो दस से पंद्रह मिनट जस्ट रिलैक्स उस टाइम पर ना कोई काम मत करना सिर्फ आराम से बैठ जाओ एंड लेट योर स्किन रिलैक्स अ लिटल बिट और उसके बाद यू कैन ईजिली रिमूव इट बट आई लेट इट सेट फॉर अबाउट फिफ्टीन मिनट्स एंड रिलैक्स सो मास्क को मैंने क्लीन कर लिया है एंड आप देख रहे होंगे स्किन में एक अलग टाइप का यू नो प्लम्पीनेस आ गया है आई रियली लाइक माई स्किन फील्स सो फ्रेश एंड रिलैक्स नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एक ग्रीन टी ग्लो टोनर इसमें स्प्रे आता है तो ईजिली आप इसे अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो ड्यूरिंग द डे जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो एंड यू फील दैट कि नहीं मुझे कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए आई नीड टू क्लीन माई फेस तो वहाँ पर आप ये पर्स में कैरी करके इजिली स्प्रे कर सकते हो अपने फेस पे एंड यू कैन फील दस फ्रेशनेस नाउ आई लेट इट ड्राई फॉर अराउंड अ मिनट जिससे कि अच्छे से यू नो स्किन में अब्जॉर्व हो जाए एंड टू फिनिश एट ऑफ आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब रेजुविनेटिंग फेस क्रीम अगेन इन द ग्रीन टी बिकॉज ये पूरा ही ग्रीन टी रेंज है ये वाला भी जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर में आता है सिमिलरी टू द फेस मास्क आई एम टेकिंग ल लिटिल बट अमाउंट ऑफ इट थोड़ा सा थिक क्रीम है सो दैट वी कैन इजिली मसाज इट इन टू आर स्किन बाई दिन केयर इज रियली इंपॉर्टेंट वो आप डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें यूज करना चाहते हो बट एक दो स्टेप्स आपको डेफिनेटली रोज फॉलो करने चाहिए स्किन केयर में ऑल्सो इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन एमेजोन फ्लिपकार्ट एंड पर्पल डॉट कॉम सो एम मसाजिंग इट थर् इंट्रो आयर स्किन तो स्किन केयर में बॉडी स्किन केयर भी बहुत जरूरी है सो एम यूजिंग दिस ग्रीन टी नरिशिंग बॉडी लोशन फ्राम गुड वाइब्स और मैं इसे अपने हाथों पर अपलाई कर रही हूँ सिमिलरली आई अपलाई इट ऑन माई लेग्स एज वेल क्योंकि ये काफ़ी यू नो नरिशिंग है एंड यू कैन फील दैट सॉफ्टनेस तो ये पूरा ही रेंज मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आया इन सब प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, में मिलेंगे लेट्स गट स्टार्ट विद टूडेज वीडियो सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ब्लाउजेज शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बइंड ऑफ प्रीमियम ब्लाउज हॉल उसके अलावा मैंने यहाँ पर अफोर्डेबल टू प्रीमियम सारे रेंजेस को चूज़ किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिविव यू गाइज सम आडियाज़ एंड एग्जाम्पल्स कि किस तरीके के ब्लाउजेज आप शॉप कर सकते हैं विच कुड बी यूजफुल फो यू मैंने इसमें प्रीमियम भी रखे हैं अफोर्डेबल भी रखे हैं एंड आई एम एम वेरी सैट फॉर दिस वीडियो सो लेट्स गेट स्टार्टड तो सबसे पहला ब्लाउज दैट आई रियली लाइक इज दिस कॉर्डिस गॉर्डिस ब्लाउज सबसे पहले हम प्रीमियम वाले से स्टार्ट कर लेते हैं दिस इज फ्रॉम निहारिका डिज़ाइनर स्टूडियो माय फेवरेट ब्रांड ऑन एमेजॉन और इनके मेरे पास लगभग सारे ब्लाउज हैं और ये कुछ एम्ब्रॉयडरी है पिंक एंड ऑरेंज कलर की ऑल ओवर दे हैव सीक्वेंस और ये किसी भी अफोर्डेबल साड़ी को एकदम से एक्सपेंसिव लुक दे सकता है आई एम सॉरी गाइज अगर आपको मेरी आवाज़ में या फिर uh, मेरे मूवमेंट में कुछ डिफरेंट लगे क्योंकि मेरी अभी सबसे पीछे वाली जो दाल है वो आ रही है एंड इट्स वेरी पेनफुल ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी पेनफुल तो ये कुछ इस तरीके का है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसके अंदर कप्स आए हैं आप इसे ईजिली लिटरली किसी भी साड़ी पर पहन सकते हो ऐसी कोई साड़ी नहीं इसके खती नहीं चलेगा बीट नहीं बनारसी साड़ी सिल्क साड़ी शिफॉन जॉर्ज

दी गई है एंड आई लव द कप्स एज वेल बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल हैं अनदर ब्लाउज इज समथिंग दैट कैन ऑल्सो भी वोन ऑन डिफरेंट डिफरेंट ओके लेट मी जो शो यू इसमें तो बहुत सारे कलर्स हैं तो आप मैच करके किसी भी के साथ इसको पहन सकते हो लुक हाउ दिस ब्लाउज लुक्स और इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग दी है दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड श्रृंगार स्टूडियो और इसमें बहुत अच्छा यू नो वर्क दिया गया है यहाँ पर सो so इसमें कपड़े के अंदर ही गोल्ड आता है और फ्रंट में इसमें हुक दिए गए हैं बंद करने के लिए लुक हाउ गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल दिस ब्लाउज लुक्स बहुत सारी सारी पे बहुत अच्छा लगने वाला है और इसमें लटकन दी है बिल्कुल बेसिक यहां पर उसके अलावा इसमें जो स्लीव्स हैं वो कुछ यहां तक किए ये भी एक काफी अच्छा पैटर्न है स्पेशली आई लव द नेक और ये वाला ब्लाउज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप इसे डिफरेंट डिफरेंट साड़ी के साथ आराम से पेयर कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा फाइल टॉक अबाउट द क्वालिटी क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है अंदर अस्तर बहुत क्लीन दिया गया है उसके अलावा बाहर का जो फैब्रिक है वो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इट्स अ वेरी नाइस फैब्रिक तो ये भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है ब्लाउज सो इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट आपकी मल्टीपल साइज के आप साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो तो अभी मैंने एक रिसेंट लुक क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने दिखाया था आपको ये वाला गोल्डन ब्लाउज ओ माई गॉड आई एम अ फैन ऑफ दिस मतलब आई एम नॉट गेटिंग इनअ ऑफिट मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है लुक हाउ ब्यूटीफुल द गोल्डन इज़ ना ज़्यादा बहुत ब्राइट है ना डल है एकदम परफेक्ट और पूरे पे एम्ब्रॉयडरी दी गई है इस तरीके की इट इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड वामस स्टूडियो एंड इनके मेरे पास और भी ब्लाउज हैं वीनेक में तो मुझे काफ़ी पसंद है आई स्पेशली लव दिस पैटनी जो डीप आता है ना फ्रंट में बिल्कुल सब्य वाली फीलिंग देता है और नीचे इसमें इस तरीके का पूरा बेल्ट है इस बैक में भी और फ्रंट में भी और डीप वी नेक है दोनों ही तो ये आप नॉर्मली ऐसे तो नहीं पहन सकते ऑब्वियसली तो आप कोई भी अपनी साड़ी वगैरह जिसके साथ पहनेंगे ऐसे साइड से लेके तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अपेयरेंस देता है साइड से और बहुत ज़्यादा प्यारा ब्लाउज है आई लव द क्वालिटी ये थोड़ा सा प्रीमियम ब्लाउज़ है बट इफ़ आई टॉक अबाउट द लुक्स इट्स अनबीटेबल उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है और इसमें डोरी भी दी गई है इस तरीके की बहुत ही क्लीन और यू you नो know, एक ही हैवी ब्लाउज़ है ये क्वालिटी इज़ अमेजिंग एज आ टोल्ड यू गाइज कप्स वगैरह भी इसके बहुत अच्छे हैं और पहनने के बाद ना इट लुक सुपर ब्लाउज दिस वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डल ब्लाउज मैंने थ्री फिफ्टी समथिंग में लिया था इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लैक प्लेन ब्लाउज लाइक्रा मटीरियल है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचल द बेस्ट पार्टी जी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया आप लोगों को इसमें ना यहाँ पर उन्होंने बूटा दिया गया है सिल्वर कलर का जिसकी वजह से ये काफी शाइनी लगता है और किसी भी सारी के साथ आप इसे पहन सकते हो वर्ना जनरली जो स्ट्रेचेबल ब्लाउज होते हैं वो सारी के साथ मैच नहीं करते स्पेशली उनका कपड़ा बट इसकी जो शाइन है वो आराम से आप सारी के साथ पहन सकते हो क्योंकि सारी से थोड़ा बहुत वर्क होता है हल्का फुल्का तो उससे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है एकदम ब्लाउज वाली फीलिंग

और इसमें इन्होंने बहुत इंट्रिकेट चिकनकारी का काम दिया गया है दिस इज जॉर्जेट मटेरियल फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल श्रृंगार स्टूडियो और मुझे इनका ब्लाउज बहुत ज्यादा प्यारा लगा मैं इसे बहुत सारे के साथ साड़ी के साथ आराम से पैर कर सकती हूँ और ये बहुत प्यारा लगने वाला है आई नो सो इट इज लुकिंग सो सो ब्यूटिफुल उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द इनर पार्ट तो इसमें अस्तर दिया गया है जो कि अगेन बहुत कंफर्टेबल है और तो जल्दी से खराब होने वाला ब्लाउज भी नहीं आप इसे बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हो लुक वेरी प्रिटी विद डिफरेंट डिफरेंट तो इस तरीके के वर्क में और भी ब्लाउज अवेलेबल हैं लेकिन मुझे